नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नया फंक्शन जिसका नाम है और। शुरू करते हैं। तो मेरे पास वही डेटा सेट है जो पिछले कुछ एग्जांपल्स में हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार एक और एक कॉलम है यूनिट सोल्ड। तो हमने इसी डेटा सेट पर काफ़ी एक या दो पहले वीडियो कुछ एग्जाम्पल देखा था, जिसमें हम क्या देख रहे थे कि अगर सेल्स 6000 से ज़्यादा है तभी मुझे उस एम्प्लॉय को इंसेंटिव देना है। इस तरीके का हमने एग्जांपल देखा। उसमें क्या है कि कंडीशन एक ही था हमारा, लेकिन अब जो है इस वीडियो में हमारे पास दो कंडीशन है जिसके चलते हम और फंक्शन को सीखेंगे और ये समझेंगे कि और फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसका लॉजिक क्या है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास इस तरीके से सिनारियो है कि मेरे दो कंडीशन है। पहला ये कंडीशन है कि सेल्स 6000 से ज़्यादा होना चाहिए, 6000 या 6000 से ज़्यादा जिसने किया है वो भी क्वालिफाई करता है इंसेंटिव के लिए। लेकिन इस बार हम और एक कॉलम को भी देखेंगे, यूनिट सोल्ड। ये मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट सोल्ड या यूनिट सोल्ड है। तो मैं कह रहा हूँ कि या तो जिसने 6000 या 6000 से ऊपर किया है वो एक पहला कंडीशन है, या दूसरा ये कंडीशन है कि यूनिट सोल्ड मतलब क्वांटिटी जो है अगर वो 10 से ज़्यादा है फिर भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सिनेरियो ऐसा नहीं कि दोनों भी मीट होने चाहिए कंडीशन, इनमें से कोई भी अगर एक मीट होती है तभी भी हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को इंसेंटिव देंगे। इस तरीके के हमें कैलकुलेशंस करने। अगर हम इनको दोनों को अलग अलग तरीके से करते हैं वो तो बड़ा आसान है। कुछ इस तरीके से अगर हम करेंगे, ये देखेंगे ये 6000 से ज़्यादा है क्या, ड्रैग किया, या तो ट्रू या तो फॉल्स आएगा, और फिर ये 10 या 10 से ज़्यादा है या नहीं ये चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू करके इस तरीके से। तो ये दोनों फंक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स, इतनी गारंटी है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों कंडीशंस को एक साथ इकट्ठा इवेल्युएट करना है। लेकिन अभी हम इनको क्या है, एक साथ इस तरीके से कॉमा करके भी एक सेल में नहीं लिख सकते, उसको लिखने का भी एक तरीका है। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि सेल्स 6000 या 6000 से ज़्यादा एक कंडीशन या तो ये हो जाए, या तो यूनिट सोल्ड 10 या 10 से ज़्यादा, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो हम उस एम्प्लॉय को क्या करेंगे, इंसेंटिव देंगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे कि ये एम्प्लॉय जैक, पहला इसका कंडीशन फॉल्स हुआ क्योंकि ये 6000 से कम है सेल्स इसका, लेकिन यूनिट सोल्ड ये 10 से ज़्यादा है तो ट्रू हो गया, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, इंसेंटिव देंगे। तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब अमेंडा की कंडीशन जो है ये दोनों में फॉल्स आ रहा है क्योंकि दोनों में नहीं फुलफिल हो रहा है। टॉम की भी उस तरीके से दोनों में फॉल्स आ रहा है, लेकिन बाकी सब अगर आप देखोगे, जैसे कि खासकर ये दो चीज़ें देखिए और ये एक एम्प्लॉय 2, 6 और 7, इनके सेल्स में क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है इसलिए फॉल्स आ रहा है, लेकिन यूनिट सोल्ड में मैच हो रहा है तो इनको हम इंसेंटिव देंगे क्योंकि इनका एक कंडीशन मैच हो रहा है। तो अब हमें कुछ ऐसा फंक्शन चाहिए जो 2 या 2 से ज़्यादा लॉजिकल वैल्यूज़ को साथ में ले और मुझे ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे एक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे, ताकि हम उसको इफ़ में इस्तेमाल कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर हम इफ़ में इस तरीके से लिखते हैं, हम एक ही कंडीशन लिख सकते हैं लॉजिकल टेस्ट में। अगर मैं कॉमा करता हूँ दूसरे कंडीशन के लिए तो मैं वैल्यू ट्रू में चले जाता हूँ, मुझे ट्रू में नहीं जाना है, मुझे उधर ही पहले चेक करना है क्योंकि ये दोनों कंडीशन है। तो इसके लिए हम इफ़ के पहले और सीखेंगे। इफ़ तो हम सीख चुके हैं, लेकिन इफ़ के इस्तेमाल के पहले और। अब और में क्या है, ये पूछ रहा है लॉजिकल वैल्यूज़, आप 1, 2, 3, 4 जितने भी मर्जी दे सकते हैं, 255 इसका लिमिट है। तो और में हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा लॉजिक लिखते हैं जिससे ट्रू और फॉल्स आए, तो वो पहले ही मालूम है हमें, कंपेरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम ट्रू या फॉल्स ला सकते हैं, या कोई भी फंक्शन जो ट्रू फॉल्स देता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को अंदर लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 6000 इस तरीके से। लेकिन उसके पहले, ये लिखने के पहले, रेडिली जो ट्रू और फॉल्स आ रहा है मैं ये बताता हूँ पास करके। इसमें रेडिली ट्रू और फॉल्स पास करते हैं इफ़ और का बिहेवियर समझने के लिए। तो पहले 3 रो में ही इसका लॉजिक है पूरी तरीके से, सारे सीनारियोज कवर्ड है। जब दोनों हमने वैल्यूज़ पास किए, मतलब सारे वैल्यूज़ अगर ट्रू है तो और ट्रू रिटर्न करता है, अगर सारे फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन ये खास बनाता है और को, दूसरा वाला, एक ट्रू है एक फॉल्स है उसके बावजूद फिर भी ट्रू आया। क्यों? क्योंकि और को इस तरीके से बनाया गया है कि एक भी अगर कंडीशन ट्रू होती है फिर भी वो ट्रू रिटर्न करता है। तो और
तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा लॉजिकल वैल्यूज़ या कंपैरिजंस है, और आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके से कि कोई भी अगर एक भी कंडीशन मीट होती है, जितने भी आपने दिए उनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट होती है फिर भी आपको ट्रू चाहिए, तो आप और का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, हम और को इस तरीके से लिखेंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6000 है, दूसरा कॉमा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो अगर हम इनको रन करते हैं तो वही आउटपुट यहाँ आएगा। बस अभी मैंने यही आउटपुट है जो के कॉलम में था, बस मैंने अभी क्या किया है, डिपेंडेंट नहीं डायरेक्टली लिख दिया है। तो देखिए जहाँ जहाँ ट्रू आ रहा है अब उनको हमें इंसेंटिव देना है, तो हमें कुछ और काम करना है, हमें ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए। तो इफ़ पिक्चर में आ जाता है, तो इफ़ में और का ब्रैकेट क्लोज किया, अगर आप लॉजिकल टेस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये इकट्ठा पहले इवेल्यूएट होगा, F9 करते हैं तो इसका रिजल्ट देखने मिलेगा कंट्रोल जेड। तो इफ़ के अंदर लॉजिकल टेस्ट में याद है लॉजिक क्या है हमारा, कि कोई भी ऐसा लॉजिक लिखिए जो ट्रू और फॉल्स देता है, और ट्रू और फॉल्स दे रहा है इसलिए मैं वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन और का ब्रैकेट क्लोज करना ज़रूरी है, कॉमा। बस आगे का काम आसान है, सेल्स को लिया 3% से मल्टीप्लाई किया वरना ज़ीरो, हमारा काम पूरा हो जाता है फिर। और जिनको भी ज़ीरो मिला है अगर हम उनको देखते हैं ध्यान से, ये दो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ज़ीरो इसीलिए मिला है क्योंकि ये कोई भी एक कंडीशन में फिट नहीं हो रहे थे, ना ही सेल्स उनका ज़्यादा था 6000 या 6000 से ऊपर, ना ही उनका यूनिट सोल्ड 10 या 10 से ज़्यादा था, इसलिए वो कोई भी एक कंडीशन में नहीं फिट हो रहे थे, इसीलिए उनको इंसेंटिव नहीं मिला। तो लॉजिक और का बड़ा आसान है, और आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपको दो या दो से ज़्यादा कंपेरिजन्स एक साथ करके उनका इवेल्यूएशन लेके आगे बढ़ना है, खास करके आप इफ़ में इसको ही देखेंगे इस्तेमाल होते हुए। और दूसरा और का लॉजिक ये है कि और का तब इस्तेमाल करना है जब आपको कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू होती है और एंड रिजल्ट ट्रू चाहिए, तब आप और का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए अभी एग्जांपल के तौर पे, और दूसरा एग्जांपल, आप 10 वैल्यूज़ ले रहे हो, 10 या तो इवेल्यूएशंस है लॉजिकल या कंपेरिजन्स है, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी कि उनमें से एक भी अगर ट्रू है तभी भी आपको ट्रू आना चाहिए, तो आप और का इस्तेमाल करेंगे। सिंगल कंपैरिजन के लिए और की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन दो या दो से ज़्यादा के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर 10 कंपैरिजन आप कर रहे हो, उनमें का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने भी अगर ट्रू है, लेकिन कम से कम एक ट्रू अगर है वो काफ़ी है एंड रिजल्ट ट्रू लाने के लिए। एक ट्रू और 9 फॉल्स है फिर भी चलेगा, लेकिन सारे फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ये तो सिंपल है। तो ये लॉजिक है और का, मैंने छोटा सा ही एग्जाम्पल लिया ताकि आप समझ सकें, आगे जब हम और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखेंगे लॉजिक यही रहेगा, पर सिनारियो इसमें हो सकता है कि हम इसको थोड़ा बड़ा कर दें। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया, बने रहिए, धन्यवाद।